ये देखें सी बैंड की, ये अब एशिया साइड पर है। इसको थोड़ा सा आपने इस साइड पर ना घुमा देना, आराम आराम से इसको ना मूव करना है। मैं इसको मूव करता हूँ ऐसा ऐसा से, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद। तो कुछ दोस्तों को मसला होता है कि वो बॉल देखना चाहते हैं और देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते कि क्योंकि अब स्टार जो है 4 फीट डिश पर लगाना मुश्किल है, क्योंकि हर बंदे के पास जो है ना 5 या 8 फुट की डिश तो नहीं है, लेकिन 4 फुट की डिश हर बंदे के पास है। आजकल महंगाई का दौर है और कोई बंदा इतनी महंगी डिश नहीं खरीद सकता। लेकिन मैं आज आपको 4 फीट की डिश पर अब स्टार 36 लगा कर दिखाऊँगा, एशिया सेट से अब स्टार 36 लगा कर दिखाऊँगा। ये आप देखें, ये इस वक्त मेरी जो डिश है ये एशिया सेट पर सेट है। मैं आप ड्यूटी की तरफ भी आप लोगों को लेकर जाता हूँ और इसके जो सिग्नल है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। इस वक्त मेरे पास एयरवाई न्यूज लगा हुआ है, ये देखें सिग्नल क्वालिटी आप देख लें, ये 80% क्वालिटी आ रही है। एयरवाई न्यूज का मैं आप लोगों को लोगो भी दिखा देता हूँ, ये देखें एयरवाई न्यूज का लोगो है। और टाइम भी आप नोट कर लें मैं किस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, ये देखें आप। तो मैं ये देखें पीछे से डिश भी देख लें, ये नट नहीं ना, इसलिए मैं ये टेस्टर ही अंदर लगा दिए इसको। तो डिश की पोजीशन ये देख लें आप। अब मैं अब स्टार जो है वो लगा लेता हूँ और फिर इसकी सेटिंग करते हैं। ये देखें अब ये अब स्टार है, सी अब स्टार, ये बॉल वाली ही फ्रीक्वेंसी लगानी है। ये देखें बॉल इंटरटेनमेंट है, जो ये बॉल न्यूज़ या बॉल इंटरटेनमेंट लगा लेते हैं। ये देखें इसको मैंने लगा लिया जूम सिग्नल पर, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें 38-73 वर्टिकल 8000, ये फ्रीक्वेंसी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये बॉल नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी है, लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है ये अब स्टार 36 की। तो ये बॉल नेटवर्क ही लगा कर आपने इसकी सेटिंग करनी है डिश की। तो मैं दिखाता हूँ कि एल बी की पोजीशन है वो कैसे रखनी है आपने। फिलहाल जो हमारी जो डिश है ना ये एशिया साइड पर फिट है, तो मैं अब आपको एल बी की पोजीशन भी दिखा देता हूँ। ये देखें आगे से भी देख लें, और उसके बाद ये देखें ये इस वक्त एशिया साइड है। अब एल बी को कहाँ रखना है वो दिखा देता हूँ आपको। अब ये जो एल बी है ना, ये देखें सी बैंड की, ये अब एशिया साइड पर है। इसको थोड़ा सा आपने इस साइड पर ना घुमा देना है, ये देखें आप, बस इतना ही घुमाना है, इस ज़्यादा नहीं घुमाना। वर्टिकल पोजीशन में रख रहे हैं इसको, थोड़ी सी वर्टिकल पोजीशन में, ये देखें आप। इधर से भी दिखा देता हूँ, बाकी आपने कुछ नहीं रखना, जितनी अंदर है उतनी रहने देनी है, कुछ छेड़ना नहीं है इसको। ये देखें आप, जैसे एशिया सेट की थी वैसे ही अब स्टार की है, बस इसकी जो ये डायरेक्शन है वो मैंने चेंज कर दी थोड़ी सी। ये देखें आप, अब मैं पीछे से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखें ये जो निशानी है, ये देखें आप, ये है उसकी एशिया सेट की 105 की, और ये ऊपर दिखा देता हूँ आप लोगों को, और ये निशानी है, ये देखें आप, ये अब स्टार 36 की है। ये आप देखें ये वाली निशानी अब स्टार 76 की है। इसकी जो पैमाइश है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी है। तो ये देखें आप देखते रहें, ये ऊपर से जो नीचे तक इसकी पैमाइश बनती है ये 4 इंच बनती है। एक मिनट मैं ज़रा हाथ रख लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये देखें थोड़ा कैमरा फोकस कर ले तो फिर, ये देखें जहाँ मैंने अपना अंगूठा रखा हो, ये देखें 4 इंच इसको डाउन करना है आप लोगों ने। तो मैं इसको डाउन करता हूँ, है तो फ्रेंड्स इसको डाउन करते हैं। ये देखें ये मैंने बिल्कुल डाउन कर दिया, ये आप देख लें। मेरे पास नट नहीं थी इसलिए मैंने ये 50 लगा देता हूँ, क्योंकि डिश जो है ना वो नीचे ना आए। इसका जो
रिजल्ट है वो आगे से भी दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो रुख है ना बिल्कुल आसमान की तरफ होना चाहिए। ये देखें बिल्कुल नीचे की तरफ झुकी हुई है ये डिश, आसमान की तरफ इसका जो रुख है वो होना चाहिए। अब हम इसको मूव करते हैं राइट साइड की तरफ, पीछे बैठकर डिश के राइट साइड की तरफ इसको मूव करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, डिश के पीछे मैं आ गया हूँ और इसको डाउन भी कर लिया मैंने, ये जूम सिग्नल पर लगा लिया मैंने। ये देखें आप, फ्रीक्वेंसी भी लगा ली है इसकी, फ्रीक्वेंसी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको ना डिश के पीछे बैठकर आपने राइट साइड की तरफ ऐसा ऐसा मूव करना है, क्योंकि ये जो सेटेलाइट है स्टार वाली, ये थोड़ी सी ना चार फीट की डिश पर वीक है। तो आराम आराम से ऐसा ऐसा से इसको राइट साइड की तरफ, डिश के पीछे बैठकर आपने राइट साइड की तरफ इसको मूव करना है। तो मैं जल्दी से करता हूँ इसको मूव, आप देखते रहें। ये देखिए आराम आराम से इसको मूव करना है। तो डीवीडी की तरह भी देखते हैं आप, ये देखिए जैसे ही सिग्नल आएंगे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ऐसा ऐसा इसको मूव करना है। तकरीबन इसमें 6-7 इंच का फर्क होता है एशिया साइड से, जो एशिया साइड से स्टार का जो है ना फर्क, वो तकरीबन 6-7 इंच का फर्क होता है। आराम आराम से इसको ट्रैक करना है, क्योंकि ये जो है वीक सैटेलाइट होती है। ये देखें थोड़ा सा इसको आराम आराम से मूव करना है, क्योंकि ये ना मैंने पहले भी आपसे कहा है वीक सैटेलाइट है। ऐसा ऐसा से इसको राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। बॉल जो है ना, बॉल नेटवर्क लगाना है आपने, कोई भी चैनल लगा लें, बॉल न्यूज़ या बॉल उर्दू। आराम आराम से इसको ना मूव करना है। मैं इसको मूव करता हूँ ऐसा ऐसा से, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखिए मेरे पास 76% जो सिग्नल है वो आना शुरू आ गए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सैटेलाइट जो है ना हमारी ट्रैक हो गई है। ये देखें आप, इतना मुश्किल नहीं है, बस आप ये वीडियो पूरी देखेंगे ना आपको ये समझ आ जाएगी। ये देखें आप, बॉल नेटवर्क बहुत ही पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इस पर बहुत से जो शो है वो लगते हैं। बॉल न्यूज़ उर्दू भी दिखा देता हूँ, ये देखें। और बॉल नेटवर्क पर टिकटॉक भी लगती है शाम के वक्त, मैं खुद शौक से देखता हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छे प्रोग्राम लगते हैं इस पर। फिर मैं आपको आगे से इसका रिजल्ट चेक करा देता हूँ डिश का, और इसकी पोजीशन देखें एल एन बी की। ये देखें थोड़ी सी 2.5 इंच से ज़्यादा करनी है आपने, ये देखें। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।